मामा, आपको अमल ने बताया होगा कि आप माशाल्लाह से नानी बनने वाली हैं। मामा, आई एम एक्सपेक्टिंग। नहीं, मुझे तो कुछ नहीं बताया। ना आई रियली डोंट केयर तुम्हारी जिंदगी में क्या हो रहा है। तुम यहाँ आई क्यों हो? जही ने तुम्हें यहाँ देख लिया ना तो बहुत बुरा होगा। मैम प्लीज ऐसी बातें मत करिए। आप प्लीज भाई को समझाएं कि ये घर मेरा भी है। एक्सक्यूज मी, अब ये नहीं बल्कि कासिम दाद हाउस तुम्हारा घर है, और बेहतर यही होगा कि तुम अब वहीं रहो। आपको कितनी दफा बताना पड़ेगा कि मेरे फैमिली मैटर्स में नहीं बोला करें? समझ नहीं आता। अमल कहाँ है? अमल भाभी तो अपने कमरे में है। तुम्हारी जरूरत कैसी है वैसे भाभी कहने की? मैंने तुम्हें मना किया था ना कि अमल को तुम भाभी नहीं कहोगी। जहीन की बीवी सिर्फ मैं हूं, महाजहीन, समझे तुम? ये क्या कह रही है? भाई ने इससे शादी कर ली है क्या? मामा लेकिन क्यों? हाँ, एक खुशखबरी तुमने सुना दी और एक खुशखबरी हम तुम्हें सुना रहे हैं। माँ और जहीन ने शादी कर ली है और हम बहुत जल्द सारी दुनिया को ये अनाउंस भी कर देंगे। अमल आप क्या कह रही हैं? क्या कह रही हैं आप? इस सब में अमल का क्या कसूर है? और आप जानती हैं अच्छी तरह से कि आसिम अंकल का रिएक्शन क्या होगा, उसके बाद भी आप ये कह रही हैं? हाँ, यही तो मैं चाहती हूँ। कासिम दाद बहुत गुरूर है ना अपने उसूलों पे। अच्छा होगा जब उसकी बेटी वापस उस घर में जाके बैठ जाएगी, सारा गुरूर खत्म हो जाएगा उसका। ऐसे तुम्हें एक और गुड न्यूज देते हैं, तुम्हारे फादर इन लॉ के अपकमिंग सारे प्रोजेक्ट सब हमारे होंगे। हाँ, मेरी बात सुनिए, प्लीज मेरी बात सुने। आपको कासिम अंकल के साथ जो भी करना है आप कर सकती हैं, लेकिन अमल के साथ क्यों कर रही हैं? वो कासिम अंकल जैसी नहीं है, वो बहुत अच्छी है, प्लीज उसके साथ ऐसे नहीं करें, प्लीज। तुम्हें उसकी इतनी फिक्र क्यों हो रही है? तुम्हारी भाभी सिर्फ मैं हूँ। मैंने खुद अमल को कहा था कि घर में रहने वाले मेहमानों को यहाँ से चलता करे, उसने लेकिन मेरी बात नहीं मानी। नहीं किया उसने, ये देख लिया ना आज अंजाम क्या हुआ है। हानिया, तुम उस लड़की के लिए मेरी इंसल्ट कर रहे हो। तुम मुझे जानती नहीं हो। मैं अगर चाहूं ना तो जहीन तुम लोगों की शक्ल भी ना देखे। महा, बिल्कुल भी बहस करने की जरूरत नहीं। तुम क्यों खड़ी हो यहाँ? जाओ, जाकर अपना काम करो। जी मैम। सभी सर पे चढ़े हुए। जी हानिया, कैसी हो? वालेकुम अस्सलाम। तबीयत कैसी है? मैनी मैनी कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू। तबीयत बेहतर है अभी। वासिल भाई कहाँ है? मुझे उन्हें भी तो मुबारकबाद देनी है। अरे बैठने का नहीं बोलूं, सारी बातें खड़े होके करनी है। सॉरी, आओ बैठो। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो? मैं ये देख रही हूँ कि पता नहीं तुम किस मिट्टी से बनी हो। इतनी तकलीफ, इतना दर्द, पता नहीं कैसे सहती हो। अमल, तो मामा की और जहीन भाई की ना इंसाफियों को और ये ज्यादतियों को कब तक बर्दाश्त करोगी? और जहीन भाई और महा की शादी के बाद क्या करोगी तुम? देखो अमल, मैं कह रही हूँ इस महा को सबक सिखाओ प्लीज।
और तुम्हें कोई मदद चाहिए तो मुझसे बोलो। अमल मेरी बात मानो, प्लीज मेरी बात मानो, सोनिया आंटी को, कासिम अंकल को बता दो कि सही भाई माँ ने शादी कर ली है। नहीं, तुम प्लीज मामा से कुछ मत कहना, वो ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। ऑलरेडी बहुत बीमार रहने लगी है वो, मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी वजह से मजीद परेशान हो। तुम मुझसे वादा करो कि तुम उस घर में किसी को कुछ नहीं बताओगी। अच्छा ठीक है, मैं नहीं बताऊंगी तो तुम्हें लगता है यहां से कोई भी नहीं बताएगा? किसी ने भी बता दिया फिर क्या करोगी? मैं कब तक इस बात को छुपा सकती हूँ मैं नहीं जानती, लेकिन मैं मामा को जितना इस तकलीफ से दूर रख सकती हूँ उतना तो रखने की कोशिश कर सकती हूँ ना। अच्छा ठीक है, तुम्हें जो सही लगे तुम वो करो। मेरे साथ मामा का और जहीन भाई का क्या रवैया है वो तो तुमने देख लिया होगा ना। अच्छा तो कभी कभी यकीन नहीं आता कि ये मेरा सगा भाई है और ये मेरी माँ है जो मुझसे इतनी नफरत करते हैं। और अब ये महा, अब एक नया ड्रामा आ गया है, पहले दिन से मुझे ये लड़की अच्छी नहीं लगती। मुझे पता है इसी ने सारा काम बिगाड़ा है, मेरा भाई तो कभी भी इस तरह नहीं था, कुछ उसने किया है मैं जानती हूँ ये। वासिल भाई नहीं आए? नहीं, और अच्छा है कि नहीं आए, अगर वो यहाँ आके ये सब होता हुआ देखते पता नहीं कितना बड़ा हंगामा करते। और सबसे पहले जाके सोनिया आंटी को, कासिम अंकल को बताते हैं। अमल मेरी बात सुनो, देखो अगर तुमने फैसला कर लिया है कि तुम्हें यहाँ रहना है तो फिर बहुत डट के रहना पड़ेगा। इस माह का कुछ करो प्लीज, मैं कुछ सोचती हूँ लेकिन इसका ठिकाना करो, ये यहाँ नहीं रहेगी। तुम बहुत अच्छी हो। इतनी भी अच्छी नहीं। अच्छा चलो कुछ खाते हैं। खाना? नहीं नहीं मुझे नहीं खाना, मामा ने वैसे इतनी खातिर तवाजा कर दी कि गुंजाइश ही नहीं रही है कुछ खाने की। तुम खा लो, तुमने कुछ नहीं खाया होगा है ना? तुम्हारे साथ खाऊंगी। अच्छा चलो आओ।